यही हमने कहा कि जब हम वैचारिक हमारी प्रतिबद्धता है और जो पार्टी का निर्णय है वो सर्वोपरि है। यही हमने कहा कि जब हम वैचारिक हमारी प्रतिबद्धता है और जो पार्टी का निर्णय है वो सर्वोपरि है। मैं लगातार 25 वर्षों से कुटलहर की राजनीति में सक्रिय रहा। सबसे पहले मैं ग्राम पंचायत पलाटा के लोगों ने मुझे उप प्रधान बनाया, फिर जिला परिषद में एक बहुत बड़ा जनादेश दे करके मुझे भेजा और उसके बाद 2003 से लगातार मुझे भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद रहा, कार्यकर्ताओं का रहा, मैं CPS भी रहा और विभाग अपना मंत्री बनने के बाद मेरे पास 5 विभागों का दायित्व भी जो था वो मेरे पास रहा। मैंने जो चाहा था, जितना चाहा था एक उपप्रधान होने के नाते, वो मैंने कुटलहर के लिए लगातार 25 वर्ष जो है वो सेवा की, दिन रात एक करके की। और पार्टी से भी मैं 25 वर्ष से नहीं, मैं जब छोटा सा था, बालक था, तो मैं शाखा में जाता था और फिर मैं लगातार संघ से जुड़ा रहा और फिर कॉलेज में आने के बाद विद्यार्थी परिषद और युवा मोर्चा होते हुए अलग अलग दायित्व जो थे वो मेरे पर रहे। मैं वैचारिक प्रतिबद्धता जो है वो मेरी है। मुझे ऐसा नहीं कि ये राजनीति है, इसमें कई बार ऐसी परिस्थितियाँ भी आती हैं जब आपको 4 रास्ते दिखते हैं लेकिन एक रास्ता जो है वो आपने तय करना होता है। ऐसा नहीं कि मुझे ये अभी आया था, जब मैं जिला परिषद का था तब भी मुझे ऐसे ही एक घटनाक्रम में से जो था वो गुजरना पड़ा था, लेकिन तब भी मैंने अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता जो थी वो बताई थी। और अब भी जो है ये ठीक है कि ये मेरे लिए एक भ्रम की स्थिति थी, मन में पीड़ा भी थी, लेकिन कार्यकर्ताओं का जिस तरह से पिछले 15 महीनों के अंदर जिस तरह से कार्यकर्ताओं का प्रताड़ना हुई थी, कार्यकर्ता मेरे पास आकर के रो रहे थे, तो मुझे वो पीड़ा थी, लेकिन थोड़ा समय लगा उनको समझाने बुझाने में और अंततः हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता जो है वो इस देश के लिए है, अपने संगठन के लिए है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि हमको मोदी जी का जो विज़न है कि 2047 में भारत को विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाना है, हमारी प्रतिबद्धता उसके लिए है। पद होना नहीं होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपना लक्ष्य जो है वो तय है कि हम संगठन के लिए जिए हैं और संगठन के लिए ही मरेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये हमने कहा कि जब हम वैचारिक हमारी प्रतिबद्धता है और जो पार्टी का निर्णय है वो सर्वोपरि है। जो मेरे अंदर पीड़ा थी वो कल माननीय अध्यक्ष जी को हमने बता दी, जो थी वो अब कोई मन में पीड़ा भी नहीं है। हम नए विचार के साथ और नए उत्साह के साथ मैं आगे बढ़ करके जो है पार्टी के लिए काम करूं। जो दायित्व दिया गया है आपको प्रभारी का, उसको किस? देखिए, मुझे पहले भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का दायित्व दिया गया है और जो लोकसभा को भी जिताने का दायित्व दिया गया है अनुराग जी के साथ मिल करके, और अनुराग जी के लिए जो भी हमको करना पड़े, एक प्रत्याशी के रूप में वो चुनाव में आगे बढ़ेंगे। जहाँ भारतीय जनता पार्टी मेरे हिसाब से 10 बार लगातार इस लोकसभा को जीती रही है, तो निश्चित रूप से 11वीं बार भी और अनुराग जी 5वीं बार इस लोकसभा को जीतेंगे। ये हमारी परंपरागत सीट है और हम इसको जिता करके मोदी जी का विज़न की अब की बार 400 पार उसको हम पूरा करेंगे।